अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग? अच्छे। तो मैं आपको आज एक कहानी सुनाने वाली हूँ। कहानी सुनना अच्छा लगता है ना? ठीक है, शुरू करें। एक रहती चिड़िया। चिड़िया क्या करती? जवार के खेत में अपना घोंसला बनाती। जवार पता है, जो हम गेहूं का आटा होता है, फिर जवारी होती है। तो जवार का जो खेत है उसमें अपना घोंसला बनाती है। ठीक है, तो घोंसला बनाने के बाद जो उसके अंडे होते हैं उससे बच्चे निकलने लगते हैं और जो खेत है वो भी पकने लग जाता है। ठीक है, तो एक दिन क्या होता है, चिड़िया अपने घोंसले से बाहर जाने लगती है और जैसे वो बाहर जाती है तो अपने बच्चों से बोलती है कि अगर खेत का मालिक या उसके कोई घर वाले आए तो उनकी बातें गौर से सुनना और मैं जब आऊंगी तो मुझे बताना। ठीक है, तो फिर चिड़िया चली जाती है और उसके बाद खेत का मालिक और उसका बेटा आते हैं और वो देखता है, खेत का मालिक सोचता है कि मुझे लगता, खेत का मालिक ऐसा बोलता है उसके बेटे को कि मुझे लगता है कि अभी खेत पक चुके हैं, हमको इसे काट लेना चाहिए। ठीक है, तो वो अपने बेटे से बोलता है कि तुम क्या करो, अभी कल सुबह सवेरे जाकर अपने दोस्तों और पड़ोसियों को बुला के लेके आओ और उनको बोलो कि अपनी मदद करें खेत को काटने में, है ना। तो फिर उसका बेटा बोलता है ठीक है। तो फिर चिड़िया के जो बच्चे है वो, उसकी अम्मी ने क्या बोला था उसको कि जो भी आएगा उनकी बातें गौर से सुनना और मेरे को आने के बाद बताना। तो चिड़िया के बच्चे ना ये सब बातें सुनते हैं और ना चिड़िया के बच्चे बहुत डर जाते हैं। ठीक है, और फिर जैसे ही उनकी अम्मी आती है शाम में तो वो बोलने लगते हैं, अम्मा अम्मा मालिक और उसके बेटे ऐसे बात कर रहे थे, चलो अभी हमको इधर से जाना चाहिए नहीं तो खेत के साथ हमारा घोंसला भी कट जाएगा, ऐसे बोलते हैं। तो उसकी अम्मी बोलती है, चिड़िया बोलती है कि नहीं नहीं इतना घबराने की जरूरत नहीं है, इतना घबराओ मत, घबराने की कोई बात नहीं है, मुझे नहीं लगता कि खेत का जो मालिक है उसके कोई दोस्त या पड़ोसी कल आएंगे, तो तुम डरो मत, अपने बच्चों को ऐसे बोलती है। फिर दूसरे दिन क्या करती है, चिड़िया अपने घोंसले से बाहर जाने लगती है और जाते जाते ये बोलती है अपने बच्चों को कि आज भी अगर कोई आया तो उनकी बातें गौर से सुनना और मुझे बताना। ठीक है, तो फिर चिड़िया चली जाती है और उसके बाद खेत का मालिक आता है और खेत का मालिक आता है और अपने दोस्त और उसने क्या बोला था उसके बेटे को कि दोस्त और पड़ोसियों को बुलाना बोला था ना। तो फिर वो बहुत देर इंतजार करता है कि उसके दोस्त आएंगे, पड़ोसी आएंगे, लेकिन कोई नहीं आता है। फिर खेत का मालिक, धूप हो जाती है बहुत तेज, तो खेत का मालिक चला जाता है और फिर अपने बेटे से बोलता है कि देखो अपनी मदद के लिए कोई नहीं आया, तो अभी क्या करो, तुम अपने जो चचाजात भाई है और रिश्तेदार है उनको बोलो कि हमारी मदद के लिए आए। ठीक है, तो फिर उसका बेटा बोलता है ठीक है। तो दूसरे दिन क्या होता है, ये ऐसे बोलता है तो फिर उसका बेटा क्या बोलता है ठीक है। तो फिर चिड़िया के बच्चे ये सब बातें सुनते रहते हैं। तो फिर जब चिड़िया आती है शाम में तो चिड़िया के बच्चे कैसे ची ची करके अपने पर फैलाकर डरते हुए बोलते हैं, अम्मा हमने ऐसा सुना कि अभी वो कल आएंगे अपने चचाजात भाइयों के साथ और अपना घोंसला भी कट जाएगा खेत के साथ, चलो अभी हम यहाँ से हमारा घोंसला खाली कर देते हैं और हम कहीं और चले जाते हैं। तो चिड़िया बोलती है नहीं इतना घबराओ मत, मुझे नहीं लगता कि उसके चचाजात भाई या रिश्तेदार भी कल आने वाले हैं आएंगे, ऐसा बोल के चिड़िया दूसरे दिन फिर बाहर चली जाती है। और जब बाहर जाती है तो बाहर जाते हुए यही बोलती है कि अगर कोई आया तो उनकी बात गौर से सुनना और मुझे आने के बाद बताना। तो चिड़िया के बच्चे ऐसे देखते तो उतने में क्या होता है, खेत का मालिक आता है और उसका बेटा भी आता है, हाँ दोनों आ जाते हैं वहां पर। तो फिर आप लोगों को क्या लगता है कि उनका घोंसला जो है वो कट जाएगा या रहेगा, या उनके भाई आएंगे? रहेगा। ओके, तो उनके भाई नहीं आएंगे, जो रिश्तेदारों को बुलाया था वो आएंगे या नहीं? नहीं आएंगे। क्यों ऐसा लगता है कि नहीं आएंगे? चलो तो देखते हैं कि फिर वो आते हैं या नहीं, मैं आगे सुनाती हूँ आप लोगों को कहानी। ठीक है, तो दूसरे दिन फिर खेत का मालिक, तीसरे दिन खेत का मालिक और उसका बेटा दोनों आ जाते हैं। वो दोनों बहुत देर तक इंतजार करते हैं उनके चचाजात भाई का, रिश्तेदार का, बट वहां पे कोई भी नहीं आता, जैसे कि आप लोगों ने बोला, तो वो नहीं आते। फिर खेत का मालिक अपने बेटे से बोलता है देखो आज भी हमारे मदद के लिए हमारे जो चचाजात भाई है या हमने जो रिश्तेदारों को बुलाया था वो नहीं आए,
खेत का मालिक अपने बेटे से बोलता है कि देखो आज भी कोई नहीं आया, जो रिश्तेदारों को हमने बुलाया था और तुम्हारे भाइयों को, वो भी नहीं आए। तो फिर उसके बेटे को वो बोलता है कि अभी तुम क्या करना ना, कल दो दराती तेज करके लेकर आना, अभी हम क्या करेंगे, कल हम खुद ही खेत काटेंगे, ऐसे बोल दे। दराती पता है ना, जो ऐसी होती है चाकू जिससे हम काटते हैं। हाँ वो नहीं, वो नहीं, हाँ वो दराती मतलब ऐसे होता है, मैं आपको एक भी बताऊंगी फोटो। तो बोलता है कि अपने बेटे को कि दराती तेज करते हुए लाना और हम दोनों ही फिर खेत काट देंगे। तो फिर जब चिड़िया के बच्चे ये सब बातें सुनते हैं, फिर जब शाम में उनकी अम्मी आती है तो फिर वो अपने अम्मी को बोलते हैं कि मम्मी अम्मी मालिक ने तो ऐसे कहा अपने बेटे से। तो उसकी अम्मी बोलती है, चिड़िया बोलती है कि अभी हमको ये खेत, अभी हमको ये जो घोंसला है वो खाली कर देना चाहिए और कहीं और चले जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब इंसान बोलता है कि वो अपना काम खुद करेगा तो फिर वो कर ही रहता है, तो ये खेत कल जरूर कटेंगे। ऐसे बोलते हुए वो लोग क्या करते हैं, दूसरे दिन वहां से निकल जाते हैं और कहीं और चले जाते हैं, चिड़िया और उसके बच्चे। फिर खेत का मालिक और उसका बेटा आते हैं और खेत को पूरा काट देते हैं। समझा? अच्छी लगी स्टोरी, कहानी? क्या समझ में आया इससे, हमको क्या सबक मिलता है या क्या समझ में आया कहानी से, क्या समझ में आया? कुछ भी, जो भी लगाऊंगा आपको सुन के। तो कहानी से हमको ये समझना चाहिए कि जब जब वो मालिक अपने बेटे से बोल रहा था कि अपने पड़ोसियों को बुलाओ, दोस्तों को बुलाओ, बोल रहा था ना, फिर उसके दोस्त नहीं आए, पड़ोसी नहीं आए, फिर चिड़िया क्या बोली उसके बाद भी कि ये खेत नहीं कटेगा। क्यों बोली? क्योंकि उसको लगता था कि उसके दोस्त और पड़ोसी नहीं आएंगे, उसको ये यकीन था कि नहीं आएंगे, और वो फिर दूसरे दिन काम पे चली जाती है। फिर वो लोग क्या करते हैं, अपने रिश्तेदारों को भी बुलाते, बट रिश्तेदार आते हैं क्या? नहीं आते हैं। फिर वो बोलती है कि ये कल भी नहीं कटेगा और फिर अपने काम पे निकल जाती है, है ना, बाहर निकल जाती है। फिर तीसरे दिन जब मालिक और उसका बेटा बोलते हैं कि अभी कल हम ये खेत खुद काटेंगे किसी का इंतजार बिना किए, तो फिर चिड़िया को लगता है नहीं अभी ये कट जाएगा। क्यों लगता है? क्योंकि उसको पता है कि जब इंसान अपना काम खुद करता है तो वो हो जाता है, तो हमको भी हमारा जो काम है वो खुद करना चाहिए, ये नहीं कि हम किसी पे ये है कि वो करेगा, किसी का इंतजार कर रहे हैं कि उनकी मदद से हम कर लेंगे तो हो जाएगा काम। हम एक बार कोशिश कर सकते हैं कि हम इसको पूरा अपने तरीके से भी कर सकते हैं क्या, बिना किसी की मदद लिए, है ना? ठीक है, थैंक यू।